हेलो नमस्कार दोस्तों सभी। सबसे पहले सभी भाइयों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो हैप्पी रिपब्लिक डे। इस खुशी में आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी लेकर के आए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जिड्डी जनरल ड्यूटी रिक्रूटमेंट 2020, स्टार्टिंग डेट है 26 तारीख, जो कि आज से ही है, ठीक है। लास्ट डेट है 2 तारीख 2/2/2020, 2 फरवरी, ठीक है। और इसकी कोई भी फीस नहीं है, सबसे बड़ी बात है कोई फीस नहीं है। 260 टोटल पोस्ट हैं, और जो एज की बात की गई है 18 से 22 ईयर, इसमें एज थोड़ी छोटी दी जाती है। नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, SSC GD हो गया, इनमें थोड़ी एज कम दी जाती है, ठीक है। बिटवीन इस साल इस दिन से लेकर के इस दिन के वो था डेट आर इंक्लूड 1 अगस्त 1998 से 31 जुलाई जो है 2002, वो तो डेट इंक्लूड होंगी। और अगर मैं बात करूँ आपके सामने, ये देखिए नाविक जिड्डी की +2 पास होना चाहिए विद मैथ एंड फिजिक्स से, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो टोटल पोस्ट जनरल की 113 पोस्ट हैं, EWS की 26 पोस्ट हैं, OBC की 75 पोस्ट हैं, SC की 33 पोस्ट हैं, ST की 13 पोस्ट हैं, टोटल होगी 260 पोस्ट। दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, आप जल्दी जल्दी फार्म भरिए, क्योंकि लास्ट डेट 2 तारीख दी गई है। अभी तो बस इस महीने के 4 या 5 दिन बचे हैं, तो मतलब एक हफ्ते तक आप फार्म भर सकते हो, बस ज़्यादा टाइम नहीं है। लास्ट डेट 2 तारीख है, जल्दी जल्दी अपना फार्म भरिए, क्योंकि SSC GD के आगे लगातार बैच आते रहते हैं, तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये तो 260 पोस्ट है, काश ये 2600 पोस्ट होती, काश ये 22000 पोस्ट होती। तो भाई दोस्तों ऐसे मत सोचा, जो ज़्यादा पोस्ट होती तो बंदे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, जब अगर कम पोस्ट होती बहुत कम बच्चे फॉर्म भरते हैं, क्या पता आपका इसमें नंबर आ जाए। तो दोस्तों वीडियो खत्म हुई, हमें आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक किए बिना कहीं पर मत जाना, और वीडियो को शेयर करना, और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय दोस्तों।